द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये है, 1 1 6 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27. तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? पॉइंट इधर है तो 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज आ जाएगा 10 की पावर माइनस 27. क्लियर है? 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27. इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. 1.4 न्यूमेरिकल है. हमने सुबह डिस्कस किया था कि हमने जब 1.1 साइंटिफिक फिगर्स में बनाना हो तो अगर पॉइंट इधर है तो इसको उठा के लेके जाना है 1 2 3. तो क्या हो जाएगा? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 27 ऐसा चीज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा 1.168 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 10th पावर है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस 27. 27 में से 3 निकालो तो क्या आ जाता है? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10th पावर माइनस 24. ये इसका आंसर है. एक और हम करते हैं ताकि इजी हो जाए. ये है सेकंड वाला, इसका बी पार्ट ये है 32 मल्टीप्लाई बाय 10th पावर 5. तो इसको कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा? 3.2. तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा? 1. 10th पावर पॉइंट इधर था उठा के हम इधर ले गए तो क्या आ जाएगा? 10th पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10th पावर 5. अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 5. तो क्या हो गया? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा? 6. ये इसका आंसर है. ठीक है. ये एज इट इज अब हमें एज इट इज करने हैं. ठीक है. इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म 6400 किलोमीटर. ठीक है. अच्छा जी क्या आ जाएगा इधर? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने आ जाएगा? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. किलो के में कितने पावर होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर. अच्छा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 10th पावर 6. बस ये इसका आंसर है. ठीक है. 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो. अगर आप लोग इधर ये चेंज नहीं करना चाहते तो इधर सिर्फ ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर. इसके बाद आप ये आंसर भी लिख सकते हैं. अगर आप लोग चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं. क्लियर हो गया? Yes, sir. ये एज इट इज है. अच्छा जी सेम एज इट इज बता सकता है क्या करना है? किसमें था? इसमें कितने फिगर्स हैं टोटल? इसमें पॉइंट के 1 2 3 4 कितने फिगर्स हैं? बस ये इसका आंसर है 4. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. इसमें ये सारे जीरो इधर वाले हम कैलकुलेटर नहीं करते. कितने फिगर्स हैं? 3. कितने फिगर्स हैं? 3. 450 किलोग्राम हम काउंट करेंगे. कितने फिगर्स हैं? 3. कितने फिगर हैं? 3. 1.66 में कितने फिगर्स हैं? ये भी टोटल 3 फिगर्स हैं. 1 2 3 लिख देते हैं. अब आ गया है 0.00450 kg. तो आपको पता है कि जब हम इसको कन्वर्ट करके 4.5 लेके आते हैं तो ये वाले जो जीरो इधर लिखो ना 0001 लिखें तो क्या ये क्या डिजिट लिखा है हमने? ये सिर्फ हमने 1 लिखा है. इधर वाले जितने मर्जी जीरो लिखो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन अगर इन्हीं जीरो को इस साइड पे कन्वर्ट कर दिया जाए 1000 तो ये बन जाता है 10,000. इसका मतलब आप इधर जितने मर्जी जीरो लगा दें इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है. वैल्यूज़ उनकी है जो 1 के इस तरफ होंगी. तो इस वक्त ये कितने डिजिट हुए टोटल है? ये 3 डिजिट्स हैं. इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. उसके बाद 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 है. तो माइनस में भी आपको पता है ये माइनस वाले सारे इधर आते हैं.
तो इधर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए हमारे पास, वन टू थ्री, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी लास्ट वाला 2001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर, बस ये इसके आंसर थे, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारे पहले चैप्टर के